सभापति महोदय, सदन में बहुत सारे सदस्यों की जो भावना है मैं उससे बिल्कुल उनके साथ हूँ। हम सब साथ हैं और सभी साथ हैं। क्यों? दो बातें हैं। क्योंकि आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये यूजीसी ने अचानक सर्कुलर नहीं निकाला, इसको फोर्स हुआ एक तरह से, क्योंकि ये निर्णय कोर्ट का है और कोर्ट माने केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कायम किया। एक मिनट नहीं तो सर, ऐसा है इसमें कि जो पद्धति हमारी थी और जो सही थी कि यूनिवर्सिटी एज ए यूनिट पकड़ना चाहिए और डिपार्टमेंट ये यूनिट नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के आरक्षण को हानि होती है, उनको नुकसान होता है। और हमने एक एक यूनिवर्सिटी का पूरा नक्शा तैयार किया कि अगर इस डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर करेंगे तो कितना नुकसान होता है, और अगर ये करेंगे यूनिवर्सिटी एज ए होल एक यूनिट मानते हैं तो एससी एसटी ओबीसी को न्याय कैसे मिलता है। हम तो इसी लड़ाई के हिस्सेदार हैं। मुद्दा यह है कि ये कोर्ट ने जो ये प्रस्तापित रीति थी वो क्वैश कर दी है, और क्वैश करने के कारण ये एक सर्कुलर निकालना पड़ा। तुरंत उसी दिन हमने सभी संबंधित विभागों से चर्चा करके दो एसएलपी दायर किया है, एक यूजीसी ने भी एसएलपी दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और एक एसएलपी दायर की है एमएचआरडी करके, हमने भी किया है। तो ये दो एसएलपी दायर की है, अब 13 अगस्त उसकी तारीख है। अब 13 अगस्त के पहले भी ऐसा एक, क्योंकि हमारी मान्यता है कि यह आरक्षण बना रहना चाहिए, आरक्षण पर आज नहीं आने देंगे और किसी को लाने भी नहीं देंगे। चलो, और इसलिए कोर्ट के निर्णय से हम सहमत नहीं है। राइट, कोर्ट के निर्णय से हम सहमत नहीं है, इसीलिए एसएलपी किया है, और मुझे विश्वास है कि न्याय होगा, न्याय मिलेगा और यह आरक्षण हम बचाएंगे। थैंक यू। लेकिन और इसलिए बीच में वही कर रहा हूं। थैंक यू। और इसके बीच में कुछ विश्वविद्यालयों ने वैकेंसीज डिक्लेयर करके इंटरव्यू का भी शेड्यूल किया था। हमने कल ही आदेश देके, लिखित आदेश देके, और क्योंकि पहले यह दुविधा थी कि कोर्ट का मसला है तो कोर्ट के अवमानना नहीं होगा, लेकिन आज मैं सदन का प्रोटेक्शन में हूं तो आपको ये मैं आश्वस्त करता हूं कि हमने आदेश दे दिया है, इंटरव्यू सारे रोके हैं, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई भर्ती नहीं होगी, आरक्षण बचेगा और आरक्षण को कभी हानि नहीं होने देगी।